राजधानी चंडीगढ़ में SYL मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बता दें कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस विवाद को लेकर यह तीसरी बैठक थी जो कि बेनतीजा रही। इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के पास पानी की कमी है। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जानकारी दे दी है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि पंजाब के पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है, इसलिए नहर बनाने का सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमने अपने पुराने स्टैंड पर खड़े हैं और जब पानी ही नहीं होगा तो नई नहर बनाने का क्या फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को जब सुनवाई होगी हम अपना पक्ष रखेंगे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी माना है कि पंजाब डार्क जोन में है। अज इस मुद्दे ते माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हरियाणा दे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, सारे हरियाणा दे अधिकारी, सेंटर सरकार दे अधिकारी ते पंजाब सरकार दे अधिकारी, मीटिंग होई है SYL के मुद्दे ते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विच केस चल रहे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार नूं कहा कि दोनों नूं बिठा के गलबात करो, कोई अगला रस्ता कोई निकलता है, कोई हल निकलता है तो उहदे गलबात करो। तो अज पंजाब वल्लों मैं अपना पक्ष रखिया, ये पक्ष मैं पहला भी रख चुकिया, मेरे मूँह जबानी याद है सारा कि साडे कोल पानी है नहीं तो नहर किवें बना दिए।